गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्मार्ट वैल्यू के इस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पूर्व कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। सबसे पहले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी देने में मुझे लगभग 30 से 35 मिनट का वक्त लगेगा। अगर आपके पास ये 30 से 35 मिनट का वक्त है तो अवश्य इस ट्रेनिंग को सुने, और आपके पास ये वक्त नहीं है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेनिंग को ना सुने। जब भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुने तो शुरुआत से लेकर के अंत तक एक बार में सुने, और बीच में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो इसके लिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लें और इस ट्रेनिंग को कोशिश करें कि हेडफोन का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेनिंग को फिजिकली और मेंटली मजबूत तरीके से इसे सुने ही नहीं बल्कि इसे समझने का भी प्रयास करें। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज इसी ट्रेनिंग की वजह से पूरे भारतवर्ष में लाखों लोगों ने अपना करियर का निर्माण किया और उनके जो सपने थे वो उन सपनों को भी उन्होंने अचीव किया। बेसिक ट्रेनिंग का हिंदी अर्थ होता है बुनियादी प्रशिक्षण। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ट्रेनिंग का हिंदी अर्थ होता है प्रशिक्षण। हम अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मुझे डॉक्टर लेवल का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हम अगर वकील बनना चाहते हैं तो मुझे वकील लेवल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, और हमें अगर पुलिस अधिकारी बनना हो या फिर फोर्स में जाना हो तो मुझे उस लेवल का ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, उसी तरीके से जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र का, अलग अलग एरिया का, अलग अलग तरीके का ट्रेनिंग होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे स्मार्ट वैल्यू का भी एक डिफरेंट लेवल का ट्रेनिंग है। दोस्तों, इस बेसिक ट्रेनिंग को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है जो आप सामने स्लाइड में देख रहे होंगे। जो सबसे पहला नंबर पे है वो है हमारा स्मार्ट ऑफिस, इसके बाद वाई पार्ट, हाउ पार्ट, अवॉइड 3C से मुझे बचना है, एंड डू 4C मुझे 4C करना है, बिलीव ऑन 5B, 5B पे मुझे विश्वास करना है, ड्रीम सेट, और लास्ट में जो आपका पॉइंट्स आता है वो आता है हमारा 4 बेसिक्स। दोस्तों, मुझे 4 बेसिक्स क्या चीज़ होती है और ये पॉइंट्स क्या होता है मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट ऑफिस एक तरीके का ऑफिस है जो हम सभी को मिला हुआ है। इस ऑफिस को खोलने के लिए हमें स्मार्ट वैल्यू के वेबसाइट की जरूरत होती है, जो कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। वेबसाइट जो लिखा हुआ है www.smartvalue.biz, इस वेबसाइट को हम इंटरनेट पर इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही हम इस वेबसाइट को इंटर करते हैं इंटरनेट पर और ओके करते हैं तो हमारे पास स्मार्ट वैल्यू की एक पेज खुल जाती है। उस पेज के ऊपर में एक लॉगिन बटन होता है, उस लॉगिन बटन को हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद वहां पर दो बॉक्स खुलता है, एक स्मार्ट आईडी का बॉक्स खुलता है और एक पासवर्ड का बॉक्स खुलता है। दोस्तों, यह स्मार्ट आईडी हर एक स्टूडेंट, हर एक एसोसिएट को मिला हुआ होता है। इसी आईडी को हम उस बॉक्स में डालेंगे, और आपको पासवर्ड भी मिला हुआ होता है, उस पासवर्ड को हम उस बॉक्स में डालेंगे और नीचे एक बटन होती है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा स्मार्ट ऑफिस खुल जाता है। इस स्मार्ट ऑफिस के अंतर्गत हमारा सारा डिटेल्स होता है, हमने कौन सा कॉम्बो सेलेक्ट किया है, कौन सा कॉम्बो परचेज किया है, कितना रुपया हमने दिया है, कितना हमें माइल्स मिला है, कौन सा ऑफर अभी चल रहा है, हमारा चेक कितने दिनों में आने वाला है, जो भी इनकम से रिलेटेड आपका काम है, ऑफर से रिलेटेड काम है, ये सारा चीज आपका इस स्मार्ट ऑफिस में दर्शाता है। तो दोस्तों, ये स्मार्ट ऑफिस को खोलने के लिए हमें दो चीज़ को याद करना होता है, एक तो हमारा स्मार्ट आईडी है और दूसरा होता है हमारा पासवर्ड। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा वाई पार्ट। वाई का मतलब होता है क्यों, हमने इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन किया। दोस्तों, जब मुझे इस प्रोजेक्ट की जानकारी मिली तो ऐसा नहीं है कि जानकारी लेने के बाद हम लोगों ने एडमिशन करवा लिया। हमारे कुछ सपने होते हैं, हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, उन सभी ड्रीम्स को, उन सभी सपने और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग इस सिस्टम में एडमिशन करवाते हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग वाई पार्ट होता है, लेकिन यहाँ इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग विथ अर्निंग। दोस्तों, सपने कुछ भी हो लेकिन उस सपने को अचीव करने के लिए मुझे सबसे पहले सीखना होगा, और सीखने के साथ साथ मुझे कमाना होगा। जब तक हम कमाएंगे नहीं, हम उन ड्रीम्स को, उन सपने को अचीव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारा वाई पार्ट। ये कैसे होगा, इसको करने के लिए मुझे सबसे पहले
ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। और इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए हमें हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं, हमारे जितने भी सपने हैं, उनको अचीव करने के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बेसिक ट्रेनिंग में, वो होता है हमारा हाउ पार्ट। हाउ पार्ट में सबसे पहले आप देख रहे होंगे नीचे ट्रेनिंग लिखा हुआ है। दोस्तों, मुझे ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हम नए हैं, हमें सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल नए हैं, मुझे कुछ नहीं पता है सिस्टम के बारे में दोस्तों, इसलिए मुझे ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। जब हम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो हमारे पास नॉलेज आता है, ज्ञान आता है। ज्ञान आने के बाद धीरे धीरे हमें विश्वास होने लगता है, बिलीव आने लगता है हमारे अंदर। और जब विश्वास होता है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास भी होने लगता है, और जब आत्मविश्वास आ जाता है तो हमें उत्साह होने लगती है, और जब हमें उत्साह होने लगती है, जब हम एक्साइटमेंट होने लगते हैं, जब हम एक्साइटेड होने लगते हैं, तो फिर हम लोग सफल होते हैं। दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करने से हम सफल नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सफलता पाने के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो सोच है, वो 100% पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा नजरिया वो सकारात्मक होना चाहिए। एटीट्यूड होने के साथ साथ, सकारात्मक नजरिया होने के साथ साथ, कुछ और भी चीजें हैं दोस्तों जो मुझे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड 3C, वॉइड 3C एंड डू 4C। कुछ ऐसे सी हैं जिसे मुझे बचकर रहना है, जैसे क्रिटिसाइज, कंप्लेन, कंफ्यूज। दोस्तों, मुझे आलोचना नहीं करनी है। आलोचना क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति ट्रेनिंग दे रहा है और हम मन ही मन कुछ उसके बारे में निगेटिव सोच रहे हैं, और उन निगेटिव को किसी अन्य एसोसिएट के सामने हम बताते हैं, दैट मीन्स हम उस व्यक्ति के बारे में आलोचना करते हैं, उस सिस्टम के बारे में आलोचना करते हैं। तो दोस्तों, मुझे आलोचना नहीं करना है। दूसरी चीजें होती है शिकायत। शिकायत क्या होता है, हम किसी व्यक्ति के सामने उस व्यक्ति के बारे में या किसी अन्य पर्सन के बारे में हम लोग शिकायत करते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। दोस्तों, मुझे शिकायत भी नहीं करना है, और कंफ्यूज भी नहीं करना है, किसी को भ्रमित भी नहीं करना है। अगर आप किसी चीज के बारे में आपको जानकारी है या आप उस चीज को समझ पा रहे हैं, तो अवश्य उन एसोसिएट को, उस स्टूडेंट को जरूर बताएं, उसे कंफ्यूज ना करें। दोस्तों, आलोचना और शिकायत दोनों ये सेम ही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि क्रिटिसाइज में क्या होता है, हम जिस व्यक्ति के बारे में आलोचना करते हैं उसके सामने नहीं करते हैं, बल्कि उसके पीठ पीछे करते हैं, किसी अन्य लोगों के पास में करते हैं। और शिकायत में क्या होता है दोस्तों, हम उसकी आलोचना किसी दूसरे व्यक्ति के सामने भी करते हैं और उसके सामने भी करते हैं, मतलब जस्ट सामने भी उनको बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारा काम आलोचना करने का नहीं है, हमारा काम शिकायत करने का नहीं है, और हमारा काम भ्रमित करने का भी नहीं है। जो अच्छी चीजें हैं मुझे उसे सीखना है, और जो बुरी चीजें हैं मुझे उसे नहीं सीखना है, मुझे सिर्फ अच्छी चीजों पे ध्यान देनी है। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे डू 4C, मुझे 4C करना है। क्या है, कोऑपरेट करना है, लोगों को सहयोग करना है, लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ानी है, उससे कमिटमेंट करना है। कमिटमेंट मतलब जो भी बात हम बोले हैं हमको उस पर खरा उतरना है, और संपर्क करना है, कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट क्यों जरूरी है दोस्तों, हम सुबह से शाम तक बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे साथ घटती है जो हमारे लिए बहुत ही बुरी होती है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें बहुत ही ज्यादा हर्ट करता है, वो सिस्टम को लेकर के हो सकता है, वो घर से प्रॉब्लम हो सकता है। और जब आपको उस क्वेश्चंस के बारे में, जब उस प्रॉब्लम के बारे में जब आपको जानकारी नहीं रहती है, तो आप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप संपर्क करेंगे अपने सीनियर लीडर से, जो भी एक्टिव एसोसिएट है, अगर आप उनसे संपर्क करेंगे, तो आपके मन में जो भी सवाल हैं उन सवालों को वो सर सॉल्व कर सकते हैं। और जब वो आपका सवाल सवाल सॉल्व हो जाता है, तो आपका दिमाग पॉजिटिव होता है, और फिर आप अच्छे तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा अवॉइड 3C एंड डू 4C, बिलीव ऑन 5B। दोस्तों, मुझे 5B पर विश्वास करना है। जो 5B में सबसे पहले B है, वो है हमारा बिलीव इन द गॉड। मुझे भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि आज के डेट में भगवान के बिना कुछ नहीं होता। एक अगर वृक्ष का पत्ता भी हिलता है, तो वो भगवान की मर्जी की ही वजह से
हिलता है। दोस्तों हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो देखिएगा जब भी हम कोई दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले वहां पर हम लोग पूजा करते हैं। किस लिए पूजा करते हैं? क्योंकि ये मेरा बिजनेस अच्छा चले। तो दोस्तों हम भी इस बिजनेस में आए हैं, इस सिस्टम में आए आगे बढ़ने के लिए, तो सबसे पहले मुझे भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। दूसरा जो बी है वो है हमारा बिलीव इन कंपनी, मतलब मुझे इस संस्था पे विश्वास करना है। क्यों करना है? मैं बोल रहा हूँ या संस्था के लोग बोल रहे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे से पहले लगभग 37 लाख लोग इस संस्था पर विश्वास कर चुके हैं। ऑलरेडी इस संस्था का पूरे भारतवर्ष में 1500 से ज्यादा लर्निंग सेंटर्स हैं, लगभग हजारों शॉपी हैं, हेल्थ शॉपी, और लगभग 38-39+ रीजनल ऑफिसेस हैं ऑल ओवर इन इंडिया में। दोस्तों हमारी जो ये संस्था है, इस संस्था को पूरे विश्व में टॉप 100 ब्रांड्स में इसे बेस्ट बिजनेस का अवार्ड भी मिल चुका है। हमारे जो चेयरमैन हैं, उन चेयरमैन को लंदन का पार्लियामेंट के द्वारा भी अवार्ड मिल चुका है। पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में इन्होंने अपना एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। एक बहुत बड़ी फील्ड में हेलमेट का आकार बना करके लोगों को जागरूक किया कि आप अगर बाइक ड्राइव करते हैं तो आप हेलमेट पहन के चले। तो दोस्तों अगर मैं इस कंपनी का अचीवमेंट की बात करूं तो पूरा दिन भर भी खत्म हो जाएगा और हमारा अचीवमेंट खत्म होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इतनी सारी अचीवमेंट है कि मुझे ना बोल करके भी इस कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। दोस्तों हमारा जो तीसरा बी है वह है बिलीव इन सिस्टम एंड एक्टिव अपलाइन। दोस्तों ये सिस्टम क्या होता है और ये एक्टिव अपलाइन क्या है? सिस्टम क्या होता है? आज जो मैं ये बेसिक ट्रेनिंग बता रहा हूँ, इसी बेसिक ट्रेनिंग की वजह से आज पूरे भारतवर्ष में लाखों लोगों ने अपना करियर का निर्माण किया। जो उनके सपने थे उन सपनों को उन्होंने अचीव किया। तो ये हमारा एक सिस्टम है जो कि 19 सालों से लगभग चल रही है और इसी सिस्टम की वजह से लोग कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों अगर हम इस सिस्टम को छोड़ करके अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो शायद उम्र भी खत्म हो जाएगा और हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, नहीं हो सकेंगे। तो ये है सिस्टम। और दूसरी चीजें हैं दोस्तों एक्टिव अपलाइन। दो चीजें होती है, एक होता है अपलाइन, एक होता है एक्टिव अपलाइन। जो मुझे इस सिस्टम में एडमिशन करवाया है, जो हमारे ऊपर है वो होता है हमारा अपलाइन, और जो हमारे नीचे है जिनका एडमिशन हम करवाते हैं वो होता है हमारा डाउनलाइन, जिसे हम हर्ट लाइन भी बोलते हैं। दोस्तों एक्टिव अपलाइन और अपलाइन में क्या अंतर है? अपलाइन वो व्यक्ति होता है जो इस सिस्टम में लाया, सही बात है, लेकिन मुझे सिस्टम का कोई बात नहीं सिखा पा रहा है, वो सिस्टम की कोई जानकारी नहीं दे रहा है, वो खुद ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा है, वो सिस्टम से बाहर काम कर रहा है। तो दोस्तों वो व्यक्ति होता है हमारा अपलाइन। हाँ सिर्फ वो मेरा ज्वाइनिंग करा दिया है इसलिए वो अपलाइन है, लेकिन एक्टिव अपलाइन वो होगा जो मुझे इस सिस्टम में मेरा हाथ पकड़ के आगे लेके जाएगा और मुझे इस सिस्टम में सक्सेस कराएगा। तो वैसे ही व्यक्ति हमारा एक्टिव अपलाइन होता है। तो दोस्तों बिलीव इन सिस्टम एंड एक्टिव अपलाइन, मुझे एक्टिव अपलाइन पे विश्वास करना है ना कि अपलाइन पे विश्वास करना है। चौथा जो बी है वो है बिलीव इन आवर प्रोडक्ट्स। हमें अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास करना है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को ISO के द्वारा सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। बहुत सारी ऐसी ब्रांड है भारतवर्ष में, जैसे FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय जो खाद्य प्राधिकरण का जो एक मुहर मिलता है उसके द्वारा भी हमारे प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड किया गया है दोस्तों, जिसका कि कोई भी साइड इफेक्ट किसी अन्य व्यक्ति पे नहीं होता है। तो जब ऐसी ऐसी ब्रांड, सरकार की ब्रांड इस प्रोडक्ट्स पे विश्वास कर रही है तो मुझे भी इस प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास करना है। दोस्तों जो हमारा लास्ट भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बिलीव इन योर सेल्फ। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। ये चारों बिलीव आपका तभी कामयाब होती है, तभी वो फायदेमंद होगा जब आपको खुद पर विश्वास रहेगा। और हमें खुद पर विश्वास क्यों ना रहे, क्योंकि हम देखें सिस्टम में बहुत सारे ऐसे बहुत कमजोर व्यक्ति, बहुत वीक व्यक्ति ऐसे इस सिस्टम में एडमिशन करवाए जो कि आज यहाँ से अपने सारे सपने को अचीव कर पाए। तो दोस्तों जब ये सभी व्यक्ति यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली हम लोग भी यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ड्रीम सेट, ड्रीम सेट का मतलब होता है सपना, सपना को सेट करना है। दोस्तों आप इस सिस्टम में आए हैं, कहा जाता है जिस इंसान का सपना नहीं होता वो इंसान एक मुर्दे के समान होता है। ये बात कौन बोलते हैं? जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इन बातों को बोलते हैं। दोस्तों
ये सपना क्या होता है? ये सपना एक स्टेशन के बाहर एक भिकमंगे का भी होता है। वो भी चाहता है कि मेरे लाइफ में बाइक हो, मेरे जीवन में फोर व्हीलर हो, हमारा घर बहुत अच्छा हो। लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं होता। पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों को वो अचीव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? जिनके सपने होते हैं वो सपनों के साथ डेट फिक्स नहीं करते हैं। दोस्तों, हमारे सिस्टम की खासियत क्या है कि यहाँ पे सपना भी दिखाया जाता है और साथ साथ डेट भी फिक्स कराया जाता है कि मुझे इन सपनों को कितने दिनों में लेना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिस्टम में जो सबसे पहला ड्रीम सेट करवाया जाता है वो होता है मोबाइल का। मोबाइल क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए मोबाइल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों से कनेक्ट होने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए आपके पास मोबाइल का होना बहुत जरूरी है। तो कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल नहीं है, आप इस सिस्टम के माध्यम से मोबाइल को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मुझे साइकिल लेनी है, टैबलेट लेना है, बाइक लेनी है, स्कूटी लेनी है, लैपटॉप लेना है, ड्रीम कार लेनी है, लैंड लेना है, फिनेंशियल सिक्योरिटी है, फैमिली सिक्योरिटी है, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, रिकॉग्निशन अचीव करना है, मतलब मुझे सम्मानित खुद को करना है, एंड रिवार्ड, मतलब जो भी रिवार्ड्स हैं हमारी संस्था के उसको भी मुझे लेना है, उसको भी अचीव करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे सपना बनाना बहुत जरूरी है। बिना सपने के एक इंसान बेनूर होती है, उसकी जिंदगी बेनूर होती है। मुझे सपना सेट करना है दोस्तों, और इन सभी सपने को धीरे धीरे मुझे अचीव करते चले जाना है। ड्रीम सेट शुड बी स्मार्ट मूड। जो हम ड्रीम बनाए, जो हमारे सपने हैं, उसे स्मार्ट मूड में सेट करना है। लक्ष्य निर्धारण स्मार्ट मूड में होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब स्पष्ट। अगर मुझे मोबाइल लेना है तो कौन सा मोबाइल लेना है, कौन सा कलर का है, कितने प्राइस का है, वो स्पष्ट होना चाहिए। मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है मापने योग्य। अगर जो मोबाइल मैं सेट कर रहा हूँ वो मोबाइल मेरा मापने योग्य होना चाहिए, मतलब अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। कितने का प्राइस है? अब ये नहीं कि मैं शुरुआत में लाख रुपए का मोबाइल ले लूं, और लाख रुपए आपके लिए इनकम करना शुरुआत में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, जो मोबाइल आप ले सकें, हाँ लगता है कि ये मोबाइल मैं ले पाऊंगा, तो वैसा ही आप ड्रीम सेट करें। रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक। जो मोबाइल आप सेट कर रहे हैं वो वास्तविक होना चाहिए। हाँ, वो मोबाइल मार्केट में मिल रहा हो, अब ऐसा चीज आप ना सेट कर लें जो मार्केट में है ही नहीं। तो रियलिस्टिक होना चाहिए। और जो टी होता है स्मार्ट में, सबसे लास्ट वर्ड टी, टी का मतलब होता है टाइम बाउंड, मतलब समय सीमा भी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो समय सीमा होता है इसको तीन टर्म में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म, इसके बाद है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 0 से 6 महीने का होता है, मिड टर्म हमारा 1 साल का होता है, और लॉन्ग टर्म हमारा 2 से 3 साल का होता है। जैसे मेरा सबसे पहला सपना था, सबसे पहला गोल था कि मुझे एक मोबाइल लेनी है। तो दोस्तों, मुझे क्या करना है, उस मोबाइल का एक फोटो मुझे ऊपर करना है जो मोबाइल मुझे लेना है, और इस तरीके से आपको बनाना है जो आप स्लाइड में देख रहे हैं। ऊपर में लिखा हुआ माय गोल मोबाइल, मोबाइल का एक फोटो है दाहिनी तरफ, और आप बाएं तरफ देख रहे होंगे कंपनी है, मॉडल है, कलर है, प्राइस है, अचीव डेट है, किस डेट तक में आप अचीव करना चाहते हैं। लगभग 6 महीने का डेट मुझे लेना है, क्योंकि ये पहला जो गोल है हमारा ये शॉर्ट टर्म का गोल है। तो लगभग 6 महीने का, 6 महीने का डेट यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ से ले रहे हैं वो बाय लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना एक सिग्नेचर करना है। दोस्तों, नीचे जो गोल सेट करने के बाद 3V करना है, विजुअलाइज, वर्बलाइज, विटलाइज। इन चीजों को आप गोल सेट में नहीं लिखें। इन चीजों का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा इसके बारे में समझाना चाहूंगा। विजुअलाइज, जैसे ही आप गोल सेट करते हैं, ये एक इमेज बनाते हैं, इमेज पर आप अपना फोटो चिपकाते हैं। इसको इस फोटो को, इस मोबाइल के फोटो को, इस इमेज को मुझे क्या करना है, जहां पर आप सोते हैं उसके सामने दीवार में चिपका दें। ऐसा क्यों करना है दोस्तों? इससे क्या होगा, विजुअलाइज होगा। विजुअलाइज मतलब आप कल्पना करेंगे, कल्पना आप सोचेंगे कि आने वाला समय में ये मोबाइल हमारे पास होने वाला है। वर्बलाइज करें दोस्तों। वर्बलाइज क्या होता है, आप जैसे ही गोल सेट किए हैं तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। क्यों जानकारी दें? क्योंकि जानकारी देने से क्या होगा, हो सकता है आप उस व्यक्ति को बोले कि भाई मैं आगे 6 महीने के बाद इस डेट को ये मोबाइल लेने वाला हूँ। 1 हफ्ते के बाद वही व्यक्ति आपको याद दिलाएंगे कि क्या बात है, तुम्हारा मोबाइल के लिए तुम कितना मेहनत कर रहे हो। तो दोस्तों, वो व्यक्ति मुझे याद दिलाएगा, और हम उस मोबाइल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए और भी मेहनत को बढ़ा देंगे।
दोस्तों दीवार के सामने इसे क्यों चिपकाना है, क्योंकि जब आप सुबह सोएंगे, सुबह सॉरी सुबह जब भी उठेंगे तो आपकी नजर सबसे पहले उस मोबाइल पे पड़ेगी और आपका ध्यान में जाएगा कि मुझे अचीव करना है इस मोबाइल को। इसके बाद जब भी आप रात में सोने के लिए आएंगे तो आपका नजर पड़ेगा मोबाइल पे और वो मोबाइल आपको इंडिकेट करेगी कि आप मुझे पाने के लिए, आप इस मोबाइल को पाने के लिए आज दिन भर क्या काम किए। तो आपका दिल गवा देगा, अगर आप काम किए होंगे तो आप बताएंगे, आप सोचेंगे हाँ मैंने कुछ मेहनत किया, और अगर आप मेहनत नहीं किए होंगे तो आपका दिल खुद गवा दिया होगा कि मैं अपने सपने को प्राप्त करने के लिए आज कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा गजब तरीके का काम लगता है। शुरुआत में जब मुझे ये बताया गया था तो मुझे बहुत ही हंसी लग रही थी, क्योंकि बोला गया था कि ये सिस्टम है, इसी सिस्टम की वजह से लाखों लोग आज कामयाब हुए हैं, तो सर आपको भी करना होगा। तो मैंने ये चीज किया और मैंने देखा कि मैंने गोल सेट तो कर लिया, लेकिन पहला दिन मैंने कुछ काम नहीं किया तो ऑटोमेटिक मेरा अंदर से, दिल से आवाज आई कि मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए मैंने आज कुछ काम नहीं किया। और दोस्तों मैंने दूसरा दिन फिर उसे प्राप्त करने के लिए काम किया। जब दूसरे दिन मैं सोने के लिए गया तो ऑटोमेटिक दिल जवाब दिया कि हाँ मैंने उसे पाने के लिए आज कुछ मेहनत की है। और धीरे धीरे दोस्तों जो हमारा डेट था 6 महीने का, इस मोबाइल को हम 3 महीने में ही अचीव कर लिए थे। और ये हमारा जो लास्ट भी है वह हमारा विटालाइज, मतलब उसे हमने प्राप्त करके भी दिखाया। इन सभी सपनों को प्राप्त करने के लिए आपका आपको कुछ सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। जो हमारा सिस्टम है वो होता है हमारा 4 बेसिक्स। 4 बेसिक्स के अंतर है लिस्ट बिल्डिंग, नामों की सूची, इनवाइट आमंत्रण, शो द प्लान प्लान की जानकारी देना, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू उचित सवालों का उचित जवाब देना। दोस्तों सभी सपने को प्राप्त करने के लिए, सभी ड्रीम्स को आपको अचीव करने के लिए हमें इन 4 चरणों से गुजरना पड़ता है, जो है हमारा 4 बेसिक्स। सबसे पहले मुझे लिस्ट बिल्डिंग, नामों की सूची बनानी होती है। ये जो हमारी नाम की सूची है इसे हम फ्रेंड्स मूड में बनाएंगे। फ्रेंड्स मूड में हमारे लिस्ट में वैसे ही लोग होनी चाहिए जो परिवार के हो, हमें कुछ परिवार के लोगों को सेलेक्ट करना है। रिश्तेदार होनी चाहिए, संस्था के लोग होने चाहिए, कुछ एम्प्लॉई कर्मचारी होनी चाहिए, पड़ोसी हम जहाँ पर रहते हैं आसपास के भी कुछ लोग हैं उनके भी नाम लिस्ट में होने चाहिए। डियरर, डियरर का मतलब होता है प्रिय, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए प्रिय होते हैं तो उनका भी नाम होना चाहिए। और सबसे लास्ट जो है वो है हमारा स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। अजनबी वो लोग हैं जो जिसे हम नहीं जानते हैं, जैसे बस में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, अचानक किसी व्यक्ति से मुलाकात हो गई, ट्रेन में जा रहे हैं किसी व्यक्ति से मुलाकात हो गई, तो वो होते हैं हमारे अजनबी पर्सन। तो इन सभी लोगों का मुझे नाम इकट्ठा करना है और एक सूची तैयार करनी है। यहाँ पर आपको एक सूची दिख रही होगी जो कि आप देख पा रहे होंगे, ऊपर में लिखा हुआ है लिस्ट स्ट्रक्चर, कैसे मुझे नाम लिखना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा खाका है, ये कुछ कॉलम में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर है, उसके बाद है नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, कैटेगरी, ऑक्यूपेशन, इनवाइट डेट, एसटीपी डेट, फॉलो अप डेट और रिमार्क्स। दोस्तों नंबर जो मैं लिखूंगा वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। 500 से अपोजिट लिख सकते हैं, 200 से अपोजिट लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर हम 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसका अंत नहीं होता है, और अगर हम 500 से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता है कि ये 0 पे जाके 1 पे जाके एक दिन ये खत्म हो जाएगा और हमारा काम आसान लगेगा। इसके बाद हमें नाम लिखना है, एड्रेस हमारा फुल होना चाहिए, सन ऑफ पिताजी का नाम, एट कहाँ पर उनका घर है, पोस्ट ऑफिस नियर किसके बगल में उनका घर है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए उनका। कैटेगरी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बी लिखा हुआ है। 3 तरह का कैटेगरी होता है दोस्तों, ए, बी और सी। ए का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो शिक्षा में मुझसे प्लस हो, पढ़ाई लिखाई में मुझसे प्लस हो, इसके बाद वो उम्र में भी मुझसे प्लस हो, और इसके बाद वो जो व्यक्ति है उनके पास मेरे से ज्यादा पैसा हो, मतलब वो इनकम भी करता हो, तो ये व्यक्ति ए हो गया। मतलब जो मेरे से सीनियर है उसे हम ए कैटेगरी में रखेंगे, जो मेरे लेवल का है उसे हम बी कैटेगरी में रखेंगे, और जो मुझसे नीचे है उसे सी कैटेगरी में रखेंगे। तो रंजन चूंकि मेरा दोस्त है वो बी कैटेगरी का था, मेरे लेवल का था, इसलिए मैंने इसे बी कैटेगरी में रखा। ऑक्यूपेशन रंजन क्या करता है इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। रंजन स्टूडेंट था तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया। दोस्तों इनवाइट डेट, इनवाइट डेट क्या है, कब मैंने उसे इनवाइट किया है,
कब मैं उसको प्लान के लिए बताया हूँ, फोन पे जानकारी दिया हूँ कि आपको कल यहाँ पे आना है। तो दोस्तों उस डेट को यहाँ पे लिखना है, जिस डेट में वो आएगा, जानकारी लेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एसटीपी डेट, वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है फॉलोअप डेट। फॉलोअप डेट लिखना बहुत जरूरी है, मतलब जब वो बंदा जानकारी लेता है तो जानकारी लेने के बाद उसके मन में बहुत तरह के सवाल आते हैं, या फिर वो जब तक घर जब वो घर जाता है तो घर में बहुत सारे लोगों से इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है और अन्य व्यक्ति उसको इसके बारे में सही से जानकारी नहीं दे पाता है, तो उस समय उसके मन में बहुत तरह के सवाल आ जाते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए मुझे फॉलोअप करना होता है, उनके जो भी सवाल है उनको क्लियर करना होता है। तो जिस दिन हम उससे मिलेंगे, उनके सवालों को सॉल्व करेंगे, वो डेट मुझे फॉलोअप डेट में लिखना होता है। दोस्तों रिमार्क्स क्या है? अब जब हम उनसे मिले तो तीन चीजें हो सकती है, या तो डीडी नहीं बनाएगा, एडमिशन नहीं कराएगा, या तो बोलेगा कि भाई मैं एक सप्ताह के बाद कराऊंगा, या तो वो करा लेगा। तो वो जो बात बोलेगा मुझे यहाँ रिमार्क्स में लिखना है। दोस्तों लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अभी काम करना स्टार्ट करेंगे, काम करना जब स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या, एक एक करके सभी लोगों का नाम आता चला जाएगा, एक एक करके आप उस पे सभी का रिमार्क्स लिखते चले जाएंगे कि भाई ये एक सप्ताह का टाइम लिया है, ये 2 दिन का टाइम लिया है, ये 1 महीने का टाइम लिया है। तो लिस्ट बनाने से क्या होता है, हमें ये एक फायदा होता है कि बाद में हम कभी भी लिस्ट को उल्टा करके देख सकते हैं और उन सभी लोगों को एक बार में जा करके या टाइम टू टाइम जा करके मिल सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ही टाइम लिया था 1 सप्ताह का, 1 महीने का, 2 दिन का। तो इसलिए हमें लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है, बहुत बार ऐसा होगा दोस्तों जब आप सक्सेस हो जाएंगे, जब कभी आप फोर व्हीलर से चलेंगे या बाइक से चलेंगे तो वही व्यक्ति आपको रास्ते में मिलेंगे और आपको बोलेंगे अरे दीपक तुम फोर व्हीलर ले लिया, भाई ये कैसे हो गया? तो आप वहां पे बोलेंगे दोस्तों मैंने तुम्हें भी तो जानकारी दिया था, रंजन मैंने तुम्हें भी तो जानकारी दिया था, क्या तुम भूल गए? तो वो बोलेगा कि क्या चीज का जानकारी दिए थे भाई, आज तक तो कभी मुझे जानकारी नहीं दिए, क्योंकि वो तब तक में भूल गया होता है। तो दोस्तों आपके पास अगर लिस्ट होगा तो आप उस समय निकाल के उसे दिखा सकते हैं कि ये देखो इस डेट में मैंने तुम्हें जानकारी दिया था, तुमने बोला था कि तुम करो दीपक, ये सब ऐसे ही आता है, ऐसे ही चलता है। तो जब आप उस समय इस चीज को दिखाएंगे तो वो बोलेगा कि जानते हो यार मुझे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं उस व्यक्ति के बातों में आ गया, इसलिए मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं करवा पाया था। तब फिर आप उसको बोलेंगे कि देखिए आप उस व्यक्ति के बात में आ तो गए लेकिन आपका टाइम बर्बाद हुआ, आपको मिला क्या? यही अगर आप मेरे पास रहते, आज मेरे पास फोर व्हीलर है, कम से कम आपके पास बाइक तो जरूर होता। तो दोस्तों ये लिस्ट काम देता है उस समय जब आप सक्सेस करेंगे, तो ये लिस्ट जरूर बनाए। मेरे साथ ये घटना घटी है, हमने यही काम किया था। जब भी आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं दोस्तों, चूंकि आपने लिस्ट तो बना लिया, अब उसे आमंत्रण करना, उसे बुलाना है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि हम उसे बुलाएं कैसे, हम उसे कौन सा बात बोलें जो कि वो हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के लिए हमारे पास आए और उसे समझे। तो दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा इनवाइट, आमंत्रण। दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को आप इनवाइट करते हैं तो कुछ मुख्य बातों का आप ध्यान दें। आप देख रहे होंगे स्लाइड में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब बचाव, कौन सी बात आपको बोलनी है और कौन सी बात आपको बोलनी नहीं है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप किसी को इन्वाइट करने के लिए जाएंगे तो वो आपसे पूछ सकता है कि कितना पैसा लगा, तो वहां पर आपको दोस्तों पैसा नहीं बताना है, बल्कि उसे बोलना है कि पैसा नहीं लगता है, यहाँ पर टाइम लगता है 2 घंटे का। वो बोल सकता है कि ये कोई कंपनी उंपनी है क्या, तो कंपनी के जगह पे आपको इंस्टीट्यूट शब्द का इस्तेमाल करना है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होगा कंप्यूटर शब्द का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई हमसे पूछ लेता है कि कंप्यूटर है क्या, तो मुझे कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, वहां पर मुझे आईटी एडुकेशन का इस्तेमाल करना है। चैन, स्मार्ट वैल्यू, नेटवर्किंग, ज्वाइन, टू पीपुल, एजेंट, इन सभी चीजों का मुझे इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि कहीं ये चैन सिस्टम है क्या, ये नेटवर्किंग है क्या, ये ज्वाइन है क्या, ये टू पीपुल है क्या, तो वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क कर लेना है कि भैया ये चैन सिस्टम क्या होता है, ये नेटवर्किंग क्या होता है, ये ज्वाइन क्या होता है, ये तो मुझे नहीं पता है, क्या आपको इसके बारे में पता है? उन्हीं से जानकारी ले लेनी है, आपको कुछ इसके बारे में बताना नहीं है। और दोस्तों स्मार्ट वैल्यू का जिक्र नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? दोस्तों स्मार्ट वैल्यू एक बहुत बड़ी ब्रांड है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत दिनों से काम कर रही है, बहुत सारे लोग सक्सेस हुए, बहुत सारे लोग इस सिस्टम में फेल्योर भी हुए,
मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ पे एडमिशन कराने के बाद सभी लोग सक्सेस हो जाते हैं। दोस्तों जो लोग फेल्योर होते हैं वो हमेशा उंगली दूसरे को दिखाते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि उसका तीन उंगली उसी की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको स्मार्ट वैल्यू का नाम इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हमारे ही गाँव में बहुत सारे लोग एडमिशन करवाए थे लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं किए, इस वजह से वो असफल हो गए। इसलिए मुझे स्मार्ट वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करना है। वहां पर उस व्यक्ति को बोलना है, वो आएगा, टोटल जानकारी लेगा और वो अपना एडमिशन करवाएगा। यहाँ पे एजेंट, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं आपको कि ये एजेंट वाला काम है क्या, तो आपको एजेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, वहां पे स्टूडेंट बोलना है। और किसी को भी रिक्वेस्ट ना करें, आप कभी भी किसी को रिक्वेस्ट ना करें, आप उस जगह पर उसे ऑर्डर दें। तो फ्रेंड्स, ये आमंत्रण करने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं जो मुझे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम किसी को इनवाइट करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो मुझे वो इनवाइट कैसे करना है, अगला पॉइंट मैं इसके इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। दोस्तों इनवाइट का एक सिंपल फॉर्मूला है, एक सिंपल मतलब एक आसान, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी व्यक्ति को आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं। दोस्तों इनवाइट करने के लिए मुझे फॉर्म मोड को ध्यान में रखना होगा। फॉर्म का मतलब क्या होता है, एफ फॉर फैमिलियर मतलब पारिवारिक, ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, आर का मतलब होता है रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण, और एम का मतलब होता है मैसेज, मैसेज का मतलब सूचना। दोस्तों हम किसी भी व्यक्ति के पास जब हम जाते हैं उससे मिलने के लिए, तो सबसे पहले पारिवारिक होना बहुत जरूरी है। उनके बारे में जानना है, उनके फैमिली के बारे में जानना है, उनके मम्मी पापा के बारे में जानना है कि कैसे हैं, हाल चाल पूछना है। जब आप अगर किसी से पारिवारिक होते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम मेरा फ्रेंड मेरे फैमिली के बारे में तो पूछ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भी आपके फैमिली के बारे में पूछेंगे। तो जैसे ही वो आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो आप उनको बताएंगे, और इससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच एक बहुत बढ़िया तालमेल, एक बहुत बढ़िया रिलेशन बनेगा। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा पेशा। अब हम उससे पूछेंगे कि तब दोस्त मान के चलिए उस व्यक्ति का नाम है संतोष, तो मुझे वहां पे पूछना है कि संतोष तुम्हारा क्या चल रहा है, अभी क्या कर रहे हो, तो वो बंदा बताएगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो वो बताएगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, या अगर बिजनेस कर रहा है तो वो बोलेगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं, या फिर अगर कंपटीशन करना है जॉब के लिए, अगर वो परेशान है तो वो बताएगा कि भाई मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं लग रहा है। तो दोस्तों जो चीज भी वो बताएगा, जो वो पैसा बताएगा, उसी चीज को लेकर के मुझे आगे बढ़ना है। जैसे अगर उन्होंने बोल रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है दोस्त, पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन क्या लगता है आगे करियर बनाने के लिए मुझे कौन सा कोर्स करना जरूरी है, उन चीजों को लेके आगे जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि आज के डेट में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन जो उसके सपने हैं, जो उसके ड्रीम्स हैं, वो वहां से वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति कॉम्पिटिशन के बारे में बोल रहा है, नौकरी पाने के लिए बोल रहा है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क्या आपको पता है आज के डेट में नौकरी पाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। तो ये सभी चीज बोल करके पैसे, पहले तो आपको पैसा जानना है, फिर उसके बाद आप उनसे ये चीज पूछ सकते हैं। तब फिर वहां पर आपको बताना है कि इन्हीं चीजों के बारे में मैं भी बहुत परेशान था, लेकिन एक बहुत बढ़िया मुझे संस्था मिला जहां पर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और पढ़ाई करने के साथ साथ जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे सपने हैं, मैं उन चीजों को भी आगे अचीव करूंगा, और बहुत सारे लोग यहाँ से अचीव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप ये बात बोलेंगे तो अगला बंदा पूछेगा कि क्या है, कैसे होता है। तो जैसे ही अगर वो ये बात बोलता है तो वहीं पे आपको एक सूचना देना है, एक मैसेज देना है कि ठीक है अभी तो मेरे पास समय नहीं है, अगर आप इस चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन कराना होगा, अपना नाम देना पड़ेगा, और एक बहुत बड़ी प्रोग्राम होती है, एक सिलेक्शन प्रोग्राम होती है जहां पर आपको यहां के एक्सपर्ट इस चीज के बारे में जानकारी देंगे। तो वहां पर मुझे क्या करना है दोस्तों, मैसेज दे करके उनसे कोई प्रूफ लेना है, चाहे वो मैट्रिक का हो चाहे वो आधार कार्ड हो, वो मुझे प्रूफ लेना है, और वो प्रूफ लेने के बाद मुझे सिलेक्शन में दे देना है। सिलेक्शन में देने के बाद अब बारी आती है टेक अवे की। मुझे टेक अवे भी करना जरूरी है क्योंकि गारंटी नहीं है कि वो आपको अगर डॉक्यूमेंट्स दे दिया है तो वो आपकी जानकारी, आपके प्रोजेक्ट की जानकारी को लेने के लिए वो आ ही जाएगा। आपको क्या करना होगा दोस्तों, कुछ टेक अवे करनी होगी। सबसे पहले आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बोलना है उससे कि आप अगर जानकारी लेने के लिए आएंगे तो आपको अपने पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखना है, प्रॉपर टाइम पे आप पहुंचे, क्योंकि अगर लेट होगा तो हॉल फुल हो जाएगी, लिमिटेड सीट है, बाद में फिर आप अंदर नहीं आ सके, इसलिए टाइम का प्रॉपर ध्यान रखें, और प्रॉपर ड्रेस कोड में आए क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग सिलेक्शन के लिए आएंगे, तो अपना ड्रेस कोड को अच्छा रखें। तो ये इस तरीके से हम अपने किसी भी इनवाइटी को इनवाइट कर सकते हैं, और वो बंदा आएगा, जानकारी लेगा,
जानकारी लेने के बाद उसे अच्छा लगेगा और वो फिर आपके साथ इस अभियान में शामिल होगा। जैसे आप अपने लाइफ को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, वो भी अपने लाइफ को यहाँ से आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है